अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अनीस। ये जो आजकल बिजली के बिलों में चल रहे हैं ड्रामे, इसमें वापडा मुलाजमीन जो बेचारे मीटर रीडर हैं या जो बेचारे मीटर कनेक्शन वगैरह काटने आते हैं, वो ख़ुद से नहीं आते, वो ख़ुद मुलाजिम हैं बेचारे। उनके साथ तआवुन करें, मेहरबानी करें, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं लेकिन वो मुलाजिम हैं। ये जो काम है ये आला हुकाम का है, वापडा अफसरान जो बड़े हैं उनका है। आप इनके साथ तआवुन करें, इनको रीडिंग ना करने दें सिर्फ, और इनको मीटर ना काटने दें, बाकी इनके साथ लड़ाई झगड़ा हाथापाई कुछ ना करें। ये एक हमारा अखलाकी फ़र्ज भी है कि हम जो मुलाजमीन हैं वो उनके भी उसी तरह खराज आते हैं जैसे हमारे हैं। मतलब कि एक मुलाजिम है जो लैंड मैन है या वापडा का मीटर रीडर है, उनकी तनख्वाह कितनी होगी? 35,000, 30,000, 40,000। अखराजात तो उनके भी वही हैं, वो खुद बेचारे मजबूर हैं, वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने तो ऊपर जो आला हुकाम बैठे उनका कहना मानना है, उन्होंने तो आना है। हमारा ये काम है कि हम उनके बजाय आला हुकाम के दफ्तरों में जाएँ, वहाँ जा के एहतजाज करें, जो हमारा काम है वो करें। हम इनको रोक कर या मकसद है कि इनको जो है ना जी हम मार पीट कर, गालियां देकर, इनकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, हम आपस में लड़ जाएंगे। वापडा में कुछ मुलाजमीन ऐसे हैं जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, जिनके साथ सलाम लेके आए, वो एक ही इलाके के हैं, एक ही शहर के। आपसे ये इल्तिजा है कि मेहरबानी करें, इनके साथ तआवुन करें। हाँ, बड़े दफ्तरों में जाएँ, वहाँ पर हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, मीडिया पे करवाएं, चैनल्स पे करवाएं, न्यूज़ वालों को करवाएं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़िंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।